दोस्तों फाइनली डंकी का तीसरा सॉन्ग ओ माही को लेकर के फैंस काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डंकी के मेकर्स ने ओ माही का जो है टीजर लॉन्च कर दिया है। जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि डंकी मूवी को लेकर के टोटल पाँच ड्रॉप निकाले जाएंगे, जो कि चार रिलीज हो चुका है और पाँचवा जो है उसका टीजर आज आ चुका है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहला ड्रॉप था डंकी का ऑफिशियल टीजर, और दूसरा था लुटपुट गया सॉन्ग, और तीसरा था मतलब निकले थे हम घर से सॉन्ग था, और चौथा जो था डंकी का ऑफिशियल ट्रेलर था, और पांचवा जो है डंकी का ओ माही सॉन्ग होने वाला है। जी ओ माही सॉन्ग होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि डंकी मूवी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जिस प्रकार से शाहरुख खान का 2023 कमाल का रहा, लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पसंद आ रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओ माही सॉन्ग रिलीज से 20 दिन पहले शूट किया गया है, जिसको लेकर के फैंस काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो डंकी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले जवान मूवी में पराठा सॉन्ग को भी रिलीज से 20 दिन पहले जो है शूट किया गया था। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके साथ साथ डंकी मूवी का जो है कलश होने वाला है प्रभास के सलार मूवी के साथ। तो दोस्तों आप सभी लोगों को क्या लगता है कि डंकी मूवी बाजी मारेगी या फिर सलार प्रभास का मूवी यहाँ पर बाजी मारने वाला है? दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में अपना जरूर दें। दोस्तों फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।